हेलो फ्रेंड्स, इंडिया ईयर बुक 2018 में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 बेसिक इकोनॉमिक डाटा देखेंगे। बेसिक इकोनॉमिक डाटा कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बेसिक इकोनॉमिक डाटा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। फर्स्ट पैराग्राफ, द मिनिस्ट्री हैज़ टू विंग्स। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का दो पार्ट्स है या दो डिवीजन है। वन रिलेटेड टू स्टैटिक्स, एक है सो स्टैटिक्स से रिलेटेड है, एंड अदर रिलेटिंग टू द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जबकि दूसरा है तो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाएं, यूनिक स्टडी टाइप करें, उसके बाद सब्सक्राइबर बटन पे क्लिक करें, उसके बाद ये बेल आइकॉन पे भी ज़रूर क्लिक करें। इससे क्या होगा, आपको हमारा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। अब स्टैटिक्स विंग का 3 डिवीज़न है, NSO, CSO एंड NSSO। NSO मीन्स नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, CSO मीन्स सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और NSSO मीन्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। जबकि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का भी 3 डिवीज़न है, 20-point प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, एंड MPLAD। MPLAD मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार दिया जा सकता है कि MPLAD किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। प्राइस डाटा कलेक्शन, पेज नंबर 86, फोर्थ पैराग्राफ, रूरल रिटेल प्राइस कलेक्शन। द डाटा कलेक्टेड ऑन रूरल रिटेल प्राइसेज आर यूज फॉर कंपाइलिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, या कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। चलिए देखते हैं 20-point प्रोग्राम। सेकेंड पैराग्राफ, 20-point प्रोग्राम इज टू इरिडिकेट पॉवर्टी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज पीपल ऑल ओवर द कंट्री। 20-point प्रोग्राम का उद्देश्य है सो गरीबी उन्मूलन, और साथ ही साथ गरीब एवं अंडर प्रिविलेज पीपल, कहने का मतलब सुविधाओं से वंचित लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। द प्रोग्राम कवर्स वेरियस सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, या 20-point प्रोग्राम है जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक हैसो एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, एजुकेशन, शिक्षा, हाउसिंग, आवास, एग्रीकल्चर, कृषि, ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी, एफोरेस्टेशन, वन रोपन एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, वातावरण की रक्षा, एनर्जी टू रूरल एरियाज, ग्रामीणों को ऊर्जा की आपूर्ति, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, गरीब तबकों का कल्याण। रोजगार योजना हैज़ बीन सबसुम्ड इनटू अनदर आइटम, नेमली नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है सो सम्मिलित कर लिया गया नरेगा के अंतर्गत, जिसका बाद में नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, पेज नंबर 89, फोर्थ पैराग्राफ, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर्स द प्रोग्राम्स और स्कीम्स कवर अंडर TPP 2006। 20-point प्रोग्राम 2006 के अंदर जो भी प्रोग्राम्स या स्कीम आते हैं उसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर करता है। उसके बाद देखिए MPLAD, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। द साइलेंट फीचर ऑफ द MPLAD स्कीम इंक्लूड, जो साइलेंट MPLAD के अंतर्गत जो साइलेंट फ्यूचर है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग मेनली दो पॉइंट को देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। द फंड्स रिलीज अंडर द स्कीम्स आर नॉन लैप्सेबल। MPLAD स्कीम के अंतर्गत जो फंड रिलीज किया जाता है वो नॉन लैप्सेबल। नॉन लैप्सेबल का क्या मतलब हुए देखते हैं। द इंटाइटलमेंट ऑफ फंड्स नॉट रिलीज इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट एरिया सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। कहने का मतलब है जो फंड है सो रिलीज नहीं, किसी खास ईयर में रिलीज नहीं किया गया है, वह अगले ईयर में है सो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। एट प्रेजेंट एनुअल इंटाइटलमेंट पर MP पर कॉन्स्टिट्यूशन इज ₹5 करोड़। अभी प्रेजेंट में है सो हर MP को प्रति कॉन्स्टिट्यूशन 5 करोड़ का अधिकार है या पात्रता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द इलेक्टेड लोकसभा मेंबर्स कैन रिकमेंड वर्क इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो लोकसभा मेंबर है
वे है सो रिकमेंड वर्क का रिकमेंडेशन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर सकता है, जबकि द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिकमेंड वर्क एनी वेयर इन द स्टेट फ्रॉम विच दे आर इलेक्टेड, जबकि राज्यसभा का मेंबर जिस स्टेट से चुना गया है उस स्टेट में कहीं भी रिकमेंड वर्क के लिए कर सकता है, जबकि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा कैन रिकमेंड वर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन एनी वेयर इन द कंट्री। और जो कि लोकसभा का नॉमिनेटेड मेंबर होता है वह पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी काम का अनुशंसा कर सकता है। इस तरह आपका चैप्टर है सो 6 समाप्त। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।